हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो मैं हूँ तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मनिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम को डाटा, और ये हमारा लेक्चर नंबर 18। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फाइलम को डाटा जो है ये आपका कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? ये आपका डिवाइड होता है 3 टाइप्स में। पहला तो आपका क्या है? यूरोकोड डाटा। सेकंड वन है सेफालोकोड डाटा और थर्ड वन है आपका वर्टीब्राटा। तो यूरोकोड डाटा जो होता है इसको और भी क्या बोला जाता है? इसको और भी टूनिकाटा बोला जाता है। तो वो सारा हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपका यूरोकोड डाटा जो है ये आपका 3 टाइप्स में डिवाइड होता है ना। पहले तो आपका है यूरोकोड डाटा। सेकेंड वन आपका क्या है? सेकेंड वन आपका है सेफालोपोड डाटा। सेफालोपोड डाटा। थर्ड वन है आपका वर्टीब्राटा। वर्टीब्राटा। तो ये जो आपका हो गया है ये यूरोकोड डाटा, इसको और भी क्या बोला जाता है? टूनिकाटा बोला जाता है। तो मैं आपको बोल चुका हूँ, लिख देते हैं हम टूनिकाटा। हो गया। तो ये जो आपका यूरोकोड डाटा और सेफालोपोड डाटा है इसको और भी कॉम्बाइनली क्या बोला जाता है? ये दोनों को कॉम्बाइनली क्या बोला जाता है? ये दोनों को कॉम्बाइनली आपका बोला जाता है प्रोटोकोड डाटा। प्रोटोकोड डाटा या फिर प्रोटोकोडेट्स भी हम बोल सकते हैं। क्या? प्रोटोकोडेट्स। समझ में आ गया। तो ये जो आपके यूरोकोड डाटा होता है और ये जो सेफालोपोड डाटा मीन्स क्या है आपका? प्रोटोकोडेट्स। कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली ये होते हैं आपका मेराइन। एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे जो यूरोकोड डाटा होता है इनका जो नोटोकॉड होता है, नोटोकॉड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनका नोटोकॉड इनका प्रेजेंट होता है लार्वल टेल में। लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। और ये जो आपका सेफालोपोड डाटा हो गया, सेफालोपोड डाटा का कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेफालोपोड डाटा पूरा हेड से टेल तक प्रेजेंट होता है। पूरा हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। हो गया। हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका सेफालोपोड डाटा का जो नोटोकॉर्ड होता है ये लाइफ टाइम पूरा इनके लाइफ जितना दिन तक रहता है उतने दिन तक वो कंसिस्ट करके मतलब परसिस्ट करके रहता है उनका लाइफ थ्रू। और यहाँ पे जो वर्टीब्राटा होता है इनका क्या नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होता है एम्ब्रायोनिक या फिर हम बोल सकते हैं इनका भी लाइफ टाइम के लिए होता है। लाइफ टाइम के लिए होता है। कैसे ये लाइफ टाइम के लिए होता है? क्योंकि इनका जब एडल्ट बन जाते हैं, एडल्ट बनने के बाद इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पूरा लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी लाइफ टाइम तक रहा ये बोलने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी हम इनका एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो इनके एग्जाम्पल का क्या है? पहला तो हम बात करेंगे यूरोकोड डाटा का। यूरोकोड डाटा का एग्जाम्पल क्या है? एस्किडिया। और सेकंड है आपका साल्पा। फर्स्ट आपका है एस्किडिया और सेकंड आपका है साल्पा। और जो ये आपका सेफालोपोड डेट्स है, सेफालोपोड डाटा, इसका आपका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा। इसका एग्जाम्पल है आपका ब्रांकियोस्टोमा। क्या है? ब्रांकियोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिप क्या बना सकते हैं? एस ए या फिर ए एस। और ये तो आपको याद करना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद सी आता है। तो सी से आपका सेफालोपोड डाटा होता है तो इसके फर्स्ट लेटर से आपका एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही आप लोग याद कर देंगे बी और सी। सी से आपका सेफालोपोड डाटा और बी से आपका ब्रांकियोस्टोमा।
और भाटीप्राटा मतलब जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स, मामल्स, मामल्स जितने सारे हो गए, फिर बर्ड्स जितने सारे हो गए, एनिमल्स जितने सारे, वो सारा होगा वहां। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम को डाटा समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो नहीं हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियोज को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय।